धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब मनुष्य जाति के लिए प्रकट किया। प्रभु आपने वो काम किया है ताकि प्रत्येक मनुष्य जो कोई चाहे वो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा आपके समीप आ सकता है और आपके अनुग्रह को प्राप्त करके वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो आपने हमारे लिए रखा है। क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए इस पृथ्वी पर सब कुछ, ये पृथ्वी बनाई ही हम लोगों के लिए। हम चाहते पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के द्वारा जब इस बात को समझ पाते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कार्य के द्वारा हम इस योग्य बन पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य आपके वचन के द्वारा शुरू होता है, हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु ये कार्य हम सब के जीवन में जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके वचन से प्रेम करते हैं और आपके वचन में ध्यान लगाए रहते हैं और मन लगाए रहते हैं, उनके जीवन में आपका कार्य पूरा हो आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत, ताकि आपका नाम महिमा पाए हम सब के जीवनों से और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 73 में हम लोग आज देखेंगे द सिंबल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इन द बाइबल। ये वर्ड ऑफ गॉड को किस किस रूप में बाइबल में प्रकट किया गया है। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, या किस किस चीज से इसको प्रकट किया गया है वर्ड ऑफ गॉड को। बाइबल इज द लिविंग ब्रीदिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जीवित और श्वास लेता है। वर्ड परमेश्वर का वचन, इट हैज स्पिरिचुअल सब्सटेंस। ये एक आत्मिक पदार्थ है परमेश्वर का वचन, एंड ऑपरेट्स बियॉन्ड आवर नेचुरल सेंसेस। और ये हमारी जो शारीरिक ज्ञानेंद्रियां हैं, शारीरिक इंद्रियां, इनसे कहीं आगे काम करता है। हमारी शारीरिक इंद्रियां इसको नहीं कैच कर सकती। इट कंटेन्स द ऑसम पावर टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत सामर्थ है, छिपी हुई है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, हमारे जीवन को चंगा करने के लिए, हमारे शरीर को, एंड काउंटलेस ब्लेसिंग्स और अनगिनत आशीषें हमें दे सकती है टू आवर लाइव्स, हमारे जीवन को। वी मस्ट रीड, हमें अवश्य है कि इसको पढ़े, लेकिन खाली पढ़ने से नहीं कुछ होगा, इसलिए आगे लिखा है वी मस्ट रीड study and meditate upon this precious book by the help of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसको अध्ययन करें और उस पे मनन करें, ताकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जो बंद बातें हैं, to unlock its many benefits। इसके अंदर इतना फायदा छिपा हुआ है ताकि वो फायदे हमारे जीवन में अनलॉक हो सके, खुल सके। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसे समझने के लिए, द माइटी बेनिफिट्स, इसके बहुत महान जो फायदे हैं उनको समझने के लिए, विद इन द बाइबल, जो बाइबल में है, लेट अस एग्जामिन द सिंबल्स। तो हम इन सिंबल्स को एग्जामिन करें या इसका अध्ययन करें, इसको परखें। द सिंबल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के जो सिंबल्स हैं, फाउंड इन द स्क्रिप्चर, जो बाइबल में हैं, लिखे हुए हैं, एंड डिस्कवर देयर पर्पस, और उनके उस उद्देश्य को ढूंढें और खोजें, फॉर आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो हमारे आत्मिक निर्माण के लिए आवश्यक है। नंबर वन, अ फायर। परमेश्वर का वचन आग है, अ फायर। फायर का काम क्या है? टू रिफाइन, हमें शुद्ध करने के लिए। तो सबसे पहली चीज परमेश्वर का वचन का जो सिंबल है वो है फायर। फायर का मतलब अग्नि, और हमें पवित्र करने के लिए। यर्मिया नबी की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 29 पद का ए का मतलब होता पहला भाग, यहोवा यहोवा की
है? यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? यानी परमेश्वर खुद कह रहा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? बस इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, यहोवा की ये वाणी है, यानी परमेश्वर की स्वयं ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं? Is not my word like fire that consumes all that cannot endure last? यानी जो endure test, जो यानी परखने के समय जो चीज उचित नहीं है उसे वो भस्म कर देता है। तो परमेश्वर का वचन आग है और जो चीज हमारे जीवन में उचित नहीं है उसे वो भस्म करेगा। Says the Lord and like says the Lord, परमेश्वर ये कहता है। इसके बाद नंबर दो है हैमर। हैमर का मतलब क्या? यहाँ पे अब आपके दिमाग में हैमर का मतलब हथौड़ा है ना। हथौड़े से आपके दिमाग में एक ही हथौड़ा होगा, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। कौन सा हथौड़ा? लोहे का हथौड़ा है ना, तोड़ने फोड़ने के लिए, ठोकने पीटने के लिए। लेकिन यहाँ पे हैमर का मतलब हथौड़ा नहीं है, क्योंकि इसके आगे मीनिंग लिखी हुई है टू कन्विक्ट। हैमर वो कौन सा हथौड़ा है जो दोषी ठहराता है? कभी आप कोर्ट में गए हैं? कोर्ट में जज के हाथ में कोई हथौड़ा देखा है? वो लकड़ी का हथौड़ा होता है ना, वुडन हैमर। वो काहे के लिए होता है? कन्विक्ट। जब वो हथौड़ा ऐसे ऐसे करता है मेज पे, ये कन्विक्शन है, ये न्याय का हथौड़ा है, टू कन्विक्ट। यर्मिया नबी पुस्तक के 23 अध्याय के 29 पद के दूसरे हिस्से को पढ़िए। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, जो पत्थर को फोड़ डाले। यानी ये हथौड़ा कन्विक्ट करने के लिए। यर्मिया 23:29 का सेकेंड पार्ट है, एंड लाइक अ हैमर दैट ब्रेक्स इन पीसेस द रॉक The most stubborn resistance, यानी बहुत ज्यादा विरोध करने वाली जो हमारी अंदर विरोधी शक्ति होती है उसको वो अलग करता, कन्विक्ट करता है, क्योंकि हमारे अंदर से कोई चीज तोड़ के नहीं निकालेगा। परमेश्वर का वचन और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको कन्विक्ट करता है, बाय हिज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, बाय हिज होली स्पिरिट, ये कन्विक्शन आता है। दिस इज लाइक अ हैमर। तो कभी कभी परमेश्वर का वचन सुनने से आपको ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया, एकदम बहुत तेज लगती है वो बात। वो मालूम क्यों? यही कन्विक्शन है, इसी को कन्विक्शन बोलते हैं। वो आपके अंदर दोष, यानी आपके अंदर अगर वो कमी है तो परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे उसी समय वो आपके अंदर हथौड़े की तरह लगेगा, आपको बुरा भी लगेगा, चोट भी लगेगी, हर्ट होगा। इसका मतलब कि वो जो है उसने हैमर की तरह आपको कन्विक्ट किया। नंबर तीन है अ मिरर, एक आईने की तरह है, और ये मिरर का काम क्या है? टू रिफ्लेक्ट, आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाता है वचन कि आप क्या हैं और आपको क्या होना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन है ये। और याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 23 पद निकाले मेरे साथ। क्योंकि जो कोई वचन का सुनाने वाला हो, नहीं सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इंग्लिश में है, फॉर इफ एनीवन ओनली लिसन्स टू द वर्ड विदाउट ओबेइंग इट, यानी परमेश्वर का वचन सुने बिना उस वचन को माने ना, केवल सुने, एंड इट बीइंग अ डूअर ऑफ इट और उसको मानने वाला, ही इज लाइक अ मैन, उसको मानने वाला ना हो, वो मनुष्य उसके समान है, ही इज लाइक अ मैन हु लुक्स केयरफुली इन हिज ओन नेचुरल फेस इन अ मिरर, वो उस मनुष्य के समान है जो आईने में अपने आप को देखता है और जो चीज करेक्ट करने वाली उस करेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता, जैसा देखता है और फिर चला जाता है, ये उस व्यक्ति की तरह है। तो ये हमारे लिए आईने का काम करता है वचन। चार नंबर है सीड, परमेश्वर का वचन बीज की तरह है। बीज का मतलब क्या है? टू मल्टीप्लाई, जब बीज बोते हैं तो उससे एक पेड़ उगता है, और उस पेड़ में एक बीज बोइए और उसमें ढेर सारे फल लगते हैं, है ना। तो एक बीज वो हमें मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। परमेश्वर का वचन बीज की तरह काम करता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 पद, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं,
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारा नया जन्म किसी और तरीके से नहीं होता है, होता वचन ही के द्वारा है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव बीन रीजनरेटेड यानी बोर्न अगेन नॉट फ्रॉम अ मॉर्टल ओरिजिन यानी सीड या स्पर्म बट फ्रॉम दैट इज इमॉर्टल बाय द एवर लिविंग एंड लास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड से ही हमारा आत्मिक जन्म होता है, ये हमें जन्म दे आत्मिक जीवन में। पांचवा है अ लेवर। लेवर का मतलब जैसे मैंने कल आपको बताया था, जब हम आंगन में बलिदान की वेदी के बाद आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पीतल की हौदी रखी थी, उसी को लेवर बोलते हैं। परमेश्वर का वचन ये बाइबल जो ये लेवर का, ये एक लेवर है और यही एक लेवर है यानी पीतल की हौदी का काम करती है टू क्लेंज अस, ये हमको शुद्ध करती है। टू क्लेंज अस, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता यानी कलीसिया में जितने भी लोग हैं उन सब का उद्धार करता मसीह है। और इसका 24 भी पढ़ दीजिए, नहीं 24 नहीं, इसका पढ़ दीजिए 26 पद कि उसके वचन उसको वचन के द्वारा के उसको किसको कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यीशु मसीह कलीसिया को शुद्ध करना मांगता जल के, वो जल का उनको क्या है परमेश्वर का वचन। कभी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप एकदम सही स्टडी करेंगे तो आपको एक एक मीनिंग करेक्ट मालूम होगी, मिस इंटरप्रिटेशन काम नहीं करेगा। ये इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 23 पद फॉर द हस्बैंड इज हेड ऑफ द वाइफ एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च हिमसेल्फ द सेवियर ऑफ हिज बॉडी। उसके बाद है 26 पद सो दैट ही माइट सैंक्टिफाई हर हैविंग क्लेंज्ड हर बाय द वॉशिंग ऑफ वाटर विद द वर्ड। ये परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा धोकर हमें शुद्ध करे, और ये काम कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा करते हैं। इसीलिए कलीसिया में हाजिर होना, तो अब आप लोग को एक चीज सीखने को मिल रही, संडे इज मस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज मस्ट, हमारी प्रेजेंस उपस्थिति वहां पर अनिवार्य होना चाहिए। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो आपको अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके आना होगा। कोई इमरजेंसी भी आपके पास उस समय नहीं आनी चाहिए। आप ये सोच लीजिए, अगर आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सामने बैठे हैं और आपकी कॉल्स आ रही तो आपको क्या करना होगा, काटना होगा या आपको साइलेंट करना होगा, क्योंकि उनके सामने घंटी बजेगी, वो डिस्टर्ब हो गए फिर वो कहेंगे ठीक है पहले आप अपना काम देख लो। ठीक, परमेश्वर राजाओं का राजा, जब आप उसकी प्रेजेंस में आ रहे हैं तो डिसिप्लिन होना चाहिए ना। तो अपनी सब चीजों को अलग करके रखें, बिल्कुल कहीं आपका माइंड भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके जीवन में परमेश्वर कर रहा है। 6 नंबर अ लैंप, एक लैंप की तरह है टू गाइड। लैम्प का मतलब है गाइड करने के लिए, प्रकाश देता है हमें जीवन में मार्गदर्शन के लिए। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद, बहुत मशहूर पद है ये, तेरा वचन मेरे पांव के लिए। हाँ, तेरा वचन यानी परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में लिखा है योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ। ये परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 7 है रेन एंड स्नो, बारिश और बर्फ, जो बर्फबारी होती है टू रिफ्रेश यानी बारिश होती है हमें ताजगी मिलती है, ताजापन आता है ना। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा, अगर बारिश हो जाए फ्रेश हो जाता, रिफ्रेश का काम करती, तो बारिश और बर्फबारी जो है वो रिफ्रेश करती है। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसका 10 और 11 पद
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश में गिरते हैं आकाश में कहाँ गिरते बेटा, आकाश से गिरते हैं जी, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले की रोटी मिलती है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर कह रहा, मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर मेरे पास कभी नहीं आएगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उस वचन को दिया है वो काम अवश्य होगा। फेलियर कहाँ है? अगर हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब लैक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, lack of the understanding of the word of God, lack of the knowledge of the word of God, lack of the wisdom about the word of God. परमेश्वर के वचन की कमियां हैं हमारे जीवन में, इसलिए हमारे जीवन में वो चीज़ हम नहीं बन पा रहे हैं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, और वो चीज़ हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो रही है जो परमेश्वर प्रकट करना चाह रहा है। तो कमी कहाँ से आ रही है? हमारे अंदर से आ रही है। हमारे स्वभाव की कमी हो सकती है, हमारे अंदर वचन की बहुत बड़ी कमी होगी तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, परंतु जो मेरी इच्छा है। परंतु परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया है? अगर हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर ने ये वचन क्यों दिया है? हमारा वचन परमेश्वर के वचन में, हमारा मन परमेश्वर के वचन में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम अपनी इच्छा लेकर खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के सामने। इसलिए ऐसे लोगों का मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगेगा। परमेश्वर कह रहा है, मैंने अपना वचन क्यों दिया है? परंतु परमेश्वर ने जो हमें वचन क्यों दिया, जो परमेश्वर की इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। कौन? परमेश्वर का वचन। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। कौन? परमेश्वर का वचन। वचन देहधारी उसी का नाम तो यीशु मसीह है। और जिस काम के लिए उसको भेजा था उसने उसको पूरा किया कि नहीं किया? अब यीशु मसीह, हम परमेश्वर पिता पुत्र की इच्छा में हमको आना है ताकि वो उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, जैसे पुत्र के जीवन से हुई। As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. For as the rain and snow come down from the heavens and return not there again, but water the earth and make it bring forth and sprout, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, without producing any effect, useless, but it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the thing for which I sent it. जिस कार्य के लिए मैंने भेजा है उसको सफल करेगा। अब इसके बाद आता है, 8 नंबर है, अ सोर्ड। परमेश्वर का वचन तलवार से भी दिखाया गया है। तलवार का मतलब परमेश्वर का वचन है टू कट। तलवार का काम क्या है? काट देना। जब हम ये पढ़ते हैं कि जो डाली मुझ में है, मैं दाखलता हूं, मेरा पिता किसान और तुम डालिया, यीशु मसीह ने यह बताया, जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसे वो काट डालता है। कैसे? काहे से काटता? परमेश्वर फिजिकल तलवार नहीं यूज करता, बाय हिज वर्ड। ये है तलवार, ये तलवार काट देगी उसको, ये तलवार काट देगी, कट ऑफ। और वचन अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं मिलेगी, या वो मन नहीं लगाएगा, और वो वचन में मन नहीं लगाएगा इसलिए वचन से वो दूर होता जाएगा। यीशु मसीह ने कहा था कि जिनके पास है उसे दिया जाएगा, जिनके पास नहीं उनसे वो भी ले लिया जाएगा। तो वचन, ये भी वचन के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो नहीं होगी, और बिल्कुल नहीं होगी। और अगर होगी और आप उसमें जागरूक हैं और करते जाएंगे, इंटरेस्ट लेते जाएंगे, तो आपको पूरी जानकारी होगी, आपके जीवन में कार्य भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए इब्रानियों की पत्री 4:12 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है,
और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? परमेश्वर का वचन। और ये वचन हमारे अंदर काट छाट का काम करता है। जब हमारे विचारों में जाता है वहां पे काट छाट करता है, जब हमारी भावना में आता वहां काट छाट करता है, जब हमारे जीवन में आता वहां काट छाट करता है। जो चीज परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत नहीं, वो चीज काट के निकालेगा, चाहे हमें कितना भी बुरा क्यों ना लगे। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, फॉर द वर्ड दैट गॉड स्पीक्स इज अलाइव एंड फुल ऑफ पावर, मेकिंग इट एक्टिव, ऑपरेटिव, एनर्जाइजिंग एंड effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, yani soul, and the immortal spirit, and the joints and marrow of the deepest part of our nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purpose of the heart. हमारे हृदय की विचारों को वो पूरी तरीके से परख लेगा परमेश्वर का वचन। नंबर 9 है गोल्ड। परमेश्वर का वचन एक शुद्ध सोने के समान है, है ना? सोने का काम क्या? टू एनरिच। हम अमीर हो जाते हैं। आपको मालूम है सोना, अगर आपके पास आत्मिक सोना है, आत्मिक सोने का मतलब आपका जीवन परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण है। इसको कहते हैं आग में ताया हुआ सोना। आप कलीसिया को चिट्ठी लिखी है, उसमें एक कलीसिया से उसने कहा कि तू कंगाल है, मुझसे तू आग में ताया हुआ सोना ले ले। याद आया? पढ़ा था हम लोगों ने। ये आग में ताया हुआ सोना क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। ये अगर कलीसिया आपके पास नहीं है तो कलीसिया कंगाल है। हो सकता है कि सांसारिक धन दौलत से कलीसिया के पास कमी ना हो, आज की कलीसियाओं में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन हाँ जो असली कमी है आत्मिक के, उनके पास आत्मिक धन नहीं है। आत्मिक धन है परमेश्वर का वचन, ये है सोना, गोल्ड, टू एनरिच। भजन संहिता 19 अध्याय 7-10, यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्योर, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। क्या परमेश्वर का वचन? देखिए कंपैरिजन देखिए किस चीज से किया है। यही इसके सिंबल्स हैं। ये इसको हम फिर से इंग्लिश पढ़ते हैं, कौन से पद से? 7-10। द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट, रेस्टोरिंग द होल पर्सन, द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड इज श्योर, मेकिंग वाइज द सिंपल, द प्रीसेप्ट्स ऑफ द लॉर्ड आर राइट, रिजॉइसिंग द हार्ट, द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड इज प्योर एंड ब्राइट, एनलाइटनिंग द आईज, द रेवरेंट फियर ऑफ द लॉर्ड इज क्लीन, enduring forever, the ordinances of the Lord are true and righteous altogether, more to be desired are they than gold, yani ye sone se bhi adhik chahne yogya hai, even than much fine gold, they are sweeter also than honey and drippings from the honeycomb, yani chhatte se jo tapak raha hai pure shahad, उससे भी ज्यादा मीठा है ये। ये परमेश्वर का वचन, इसका स्वाद भी बताया गया है। नंबर 10 है पावर। परमेश्वर का वचन पावर है टू क्रिएट फेथ एंड इटर्नल लाइफ। ये हमारे जीवन में विश्वास पैदा कर सकता है और अनंत जीवन पैदा कर देगा ये वचन। इसके लिए हम देखेंगे रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये विश्वास कैसे पैदा होता है?
कई बार लोग सोचते हैं, आप आज तक लोग ये सोच रहे हैं कि विश्वास मैंने किया, नहीं तुमने नहीं किया, तुम्हारे विश्वास से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, या वो बिलीव है जो जिसको तुम कह रहे हो मैंने किया, जो फेथ है, फेथ सेविंग फेथ यानी बचाने वाला विश्वास, वो वचन सुनने से पैदा होता है। और यही बात यहाँ पे कही जा रही है 10:17, सो फेथ कम्स बाय द हियरिंग व्हाट इज टोल्ड एंड व्हाट इज हर्ड कम्स बाय द प्रीचिंग ऑफ द मैसेज ऑफ द मैसेज दैट केम फोर्थ केम फ्रॉम द लिप्स ऑफ क्राइस्ट द मसाया हिमसेल्फ। यानी जो मसीह के मुख से निकला हुआ वचन है उसे तुमने सुना, जो पुस्तक में लिखा हुआ है, और उसे सुनकर तुमने तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हुआ और इससे तुम्हें उद्धार मिला। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हमारा नया जन्म कैसे हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यू हैव बीन रीजनरेटेड बॉर्न अगेन नॉट फ्रॉम अ मॉर्टल ओरिजन सीड स्पर्म बट फ्रॉम वन दैट इज इमॉर्टल बाय द एवर लिविंग एंड लास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड। वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ। नंबर 11 है फूड टू नरिश, यानी भोजन जो हमें मजबूत करता है, नरिश करता है। हाँ, इसमें देखेंगे मिल्क फॉर बेबीज, ये जो भोजन है ये पहले बच्चों के लिए, जब हम पैदा होते तो हमें क्या चाहिए होता? दूध, मिल्क फॉर बेबीज। पहला पत्रस उसका 2:2 नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए, कोई काम बोला करने को, कुछ नहीं बोला, लेकिन एक ही चीज बोल रहा है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो, यानी इसके लिए ललायित हो जाओ। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, लाइक न्यू बॉर्न बेबीज यू शुड क्रेव थर्स्ट फॉर अर्नेस्टली डिजायर द प्योर अनअडल्टरेटेड स्पिरिचुअल मिल्क दैट बाय इट यू मे बी नर्चर्ड एंड ग्रो अनटू कंप्लीटेड सेल्वेशन, ताकि इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में उद्धार पूरा हो जाए। उसके बाद इसमें आते हैं ब्रेड फॉर द हंगरी, यानी भूखे के लिए ये भोजन का काम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4:4। यीशु ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला वचन ध्यान रखिएगा, मनुष्य के मुख से निकला नहीं। कई बार आप मनुष्य के मुख से निकले वचन में फंस गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा, जीवित रहेगा। बट ही रिप्लाइड, इट हैज बीन रिटन, मैन शैल नॉट लिव एंड बी अपहेल्ड एंड सस्टेन्ड बाय ब्रेड अलोन बट बाय वेरी वर्ड दैट कम्स फोर्थ फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के मुख से निकला वचन यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन, हनी फॉर द डेजर्ट। भजन संहिता 19:10 में हमने जैसे पढ़ा था कि मधु के छत्ते से, टपकने वाले छत्ते से, ये परमेश्वर का वचन है जो मधु को यानी हनी से कंपेयर किया। अब यहाँ पे लिखा है हनी फॉर द डेजर्ट, जब आप जंगल में होते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग में ये चीज बताते हैं कि जब आप जंगल में होते हैं वहां पे आपको किचन विचन नहीं होता है, ना दुकानें होती, ना होटल होता, ना ढाबा होता है। अगर एक सैनिक भूखा होता है तो मालूम क्या ढूंढता है? वो कंप्लीट फूड ढूंढता है, और शहद एक कंप्लीट फूड है। बच्चे के लिए कंप्लीट फूड क्या है? या तो दूध और शहद, और ये दो कंप्लीट फूड बताए गए हैं नेचुरल। एक नेचुरल कंप्लीट फूड है मिल्क, और दूसरा नेचुरल कंप्लीट फूड है शहद। अगर आपको शहद मिल जाए, आपने शहद खा लिया, तो आपने बैलेंस डाइट ले ली, कंप्लीट फूड ले लिया। एक मिलिट्री वाला शहद पा जाता, शहद से ही वो पेट भरता है, और वो शहद उसके पास रहता है, क्योंकि बहुत ढेर उतना एक साथ नहीं खा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को उससे कंपेयर किया जा रहा है, बैलेंस्ड कंप्लीट फूड। वर्ड ऑफ गॉड इज द बैलेंस्ड कंप्लीट फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 12 है अबो, बो का मतलब होता है धनुष, अबो फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए। हबक्कूक की पुस्तक उसका 3:9। तेरा धनुष खोल में से
तेरा धनुष खोल में से निकल गया, निकल गया। तेरे दंड का वचन, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ है, शपथ के साथ हुआ है, हुआ था, हुआ था। तूने धरती को, तूने धरती को नदियों से चीर डाला, नदियों से चीर डाला। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, नंबर 3:9 यहाँ पे लिखा हुआ है, योर बो वाज मेड क्वाइट बेयर स्वॉन टू द ट्राइब्स ऑफ इज़राइल बाय योर श्योर वर्ड वेयर द रॉड्स ऑफ चेस्टिसमेंट स्कॉर्जेस एंड कैलामिटीज। इसका ये बहुत ध्यान देने वाली सीला लिखा गया, पॉज एंड कामली थिंक ऑफ दैट, विद रिवर्स यू क्लीव द अर्थ ब्रिंगिंग फोर्थ वाटर्स इन ड्राई प्लेसेस। यानी उसने नदियां बहा दी हमारे लिए। ये परमेश्वर बदला लेने के लिए कर रहा है। ये मालूम आपको क्या बोल रहा है? इसमें आगे अगर आप इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे तो वहां पे रेफरेंसेस दिए हैं कि आप उसको जाके देखेंगे ये बात क्या कही जा रही है। परमेश्वर ने गुस्सा कब किया था? जब इजरायली लोग, वो मूसा ले गया था जल पिलाने के लिए, उसने चट्टान पे मारा था, उन्हें जल तो मिला था लेकिन परमेश्वर नाराज हुआ था। उसने नाराज होकर नदियां बहा दी, ये लो पानी की कमी है ये लो, लेकिन उसके बाद भी उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई। ये परमेश्वर का धनुष जो है ये उसके क्रोध को दिखाता है। और ये 12 सिंबल्स हैं जो परमेश्वर को, आपने देखा है कि जब परमेश्वर को क्रोध शांत हुआ था, जब जल प्रलय के बाद परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ था तो उसने बादल में इंद्रधनुष दिखाया था। धनुष इसका मतलब उसने कहा था अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये जो धनुष है ये परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसमें हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित सब कुछ है, और पवित्र आत्मा के बिना ये चीजें हमें प्राप्त नहीं होंगी। और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में ही हमको, हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हे पिता, हम आपके भवन में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिक देह का हिस्सा है और हिस्सा बने रहेंगे, ताकि प्रभु ये सब वचन के द्वारा ये सारी चीजें हम सब लोगों में पूर्ण की जाए और आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।